अपराधों की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में चोरी और नकबजनी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं देर रात चोरों ने फिर घरों को निशाना बनाते हुए करीब 8 मकानों के ताले तोड़ दिए, जहां से लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। घटना देर रात MIG थाना क्षेत्र की है, जहां चोरों ने देर रात कई बंगलों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने एक साथ 8 बंगलों के ताले तोड़ डाले, उनमें रखा लाखों का माल लेकर फरार हो गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेश सेठ के घर भी चोरों ने निशाना बनाया। उसके बाद एक हाई कोर्ट के वकील के बंगले का भी ताला तोड़कर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात से इलाका वासियों में हड़कंप मचा है। उसके बाद इन चोरों ने व्यापारियों के घरों को निशाना बनाते हुए यहां भी हाथ साफ किया। फिलहाल पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। उसके आधार पर पुलिस अब मामला दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। आपको कब पता चला ये चोरी वगैरह घटना? सुबह 7 बजे के आसपास। क्या क्या गया आपके यहाँ से? 20-25 हजार के है, बाकी 30-25 हजार के चांदी और छोटी छोटी अंगूठियां थी। आस पड़ोस में कितने घरों में प्रयास हुआ था चोरियों का? वही 8-1 घरों में हुआ, चार पांच अपने इधर और 4-5 उधर। आपके पड़ोस में भी यहाँ पे भी किसी वकील साहब के यहाँ भी चोरी हुई? हाँ, बस वही वकील है ना जिनके। कितने की चोरी हुई लगभग, मतलब ओवरऑल मिला? 5-6 लाख के आसपास। कितनी देर यहाँ पे रहे थे, मतलब इस पूरे एरिया में? चोर साइलेंट कर दो। कितनी देर रहे थे लगभग यहाँ पे चोर, आपने जब CCTV वगैरह? 1 घंटा 1.5 घंटा। वो तो यहाँ बाहर दीवान पे ही बैठे थे। अच्छा, मतलब 8 से 10 घरों में चोरी का प्रयास करा, उसमें से 2 घर में सक्सेस हुई, ये बोल सकते हैं? हाँ, वही 2 घर में सक्सेस। आपका नाम बताइए? संजय नागर। ये एरिया कौन सा कहलाता है? श्रीनगर मेन। पॉश एरिया है इंदौर शहर का सबसे, और उसके बावजूद भी यहाँ पे पुलिस की गश्त वगैरह रात को नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी मतलब 3 घंटे तक चोरों का यहाँ रहना। इस गली के अलावा दूसरी गली में भी इन्होंने प्रयास करा है सब? थैंक यू। चांदी की थालियां थी, पूरा सेट था, ग्लास कटोरियां पूरी करीब 6-7 किलो के थे। पुरानी चांदी की थी, बहुत बड़ी बड़ी थालियां थी। और उसके अलावा? इसके अलावा 10 हजार और कुछ 500-600 रुपए कैश यहाँ रखा था, वो गया। थोड़ी सोने की ज्वेलरी यहाँ से गई। लगभग कितने का अमाउंट होगा लगभग ज्वेलरी और वो सब मिला के? चांदी मिला के 5-6 लाख के बीच। आपके आस पड़ोस में भी कहीं पे भी हुई है घटना? नागर जी की हुई। मतलब आस पड़ोस में कितने मकान होंगे लगभग जहाँ पे ये ताले? सामने शेर साहब का मकान, सुरेश सेठ के मकान में ताला खोला, खुल नहीं पाया, तो यहाँ विकास सेठ के यहाँ गए, इनके यहाँ भी पूरा सब दूर घूमा, ताला खोलने की कोशिश की, ताला वो उनको मिला वैसा, खुल नहीं पाया वो भी उनसे। आप कहाँ थे जब यहाँ चोरी हुई थी? हम यहाँ, अच्छी बात तो ये है कि ये चोरी इसी कमरे में हुई, हम ये गेट बंद कर देते हैं रात को सोते हैं जब उधर से, तो उधर हमारे उधर आ नहीं पाए। आप उस टाइम घर में अकेले ही थे? मैं और मिसेज दोनों थे। अच्छा, तो ये ग्रिल तोड़ के मतलब चोरी करी गई? ग्रिल तोड़ के चोरी करी। आपका नाम बताइए? अजय कुमार गंगवार। क्या करते हैं आप? मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। उन्होंने क्या करा, 10 लोगों को क्या मारे? CCTV आसपास लगे हुए हैं मतलब? हाँ। तो उसमें कितने चोर दिख रहे हैं? 2। और कितनी देर यहाँ पे रहे होंगे? 3 घंटे से ज्यादा। मतलब आसपास के 10 मकान पूरे तरीके से देखे गए? पीछे भी गए, वहाँ भी CCTV में उन्हीं के फोटो है। वही है। हाँ। ये एरिया कौन सा कहलाता है पूरा? श्रीनगर कॉलोनी मेन। मतलब ये बोलो तो पॉश कॉलोनी है पूरी, उसके बाद पॉश कॉलोनी में। हम लोग सोए थे इधर बेडरूम में। अच्छा, यहाँ पे मतलब कुछ कर नहीं पाया? नहीं, वो यहाँ भी उन्होंने हमको देखा है,
पर्दा खोला था रात में, वो कैद है ना सर, तो यहाँ 5 मिनट खड़े रहे, हम लोगों को देखा, ये सब देखा उन्होंने, और फिर ये यहाँ कुर्सी रखी थी, कुर्सी उठा करके पीछे देखा, और फिर पीछे से ग्रिल खोली उन्होंने साइड से।